कंपटेंट होस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कंपटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। व्हाई? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। बैक्टीरिया प्लाज्मिड को ले सके, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपोनेंट टू टेक अप डीएनए। इसके लिए बैक्टीरियल सेल क्या करती हैं, डीएनए को लेने के लायक अपने आप को बनाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। और ये कैसे पॉसिबल है, जब हम उस बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाइवेलेंट कैटायन में डालेंगे, ठीक है, ताकि वो डीएनए को ले सके। फिर किस में डाला, कैल्शियम में, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर द डीएनए एंटर द बैक्टीरियम, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया डीएनए को ले लेता है। ठीक है, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, थ्रू पोर इन द सेल वॉल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इनक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको भी सेल के अंदर कैसे डाला जाता है, उसको क्या किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल को आइस में रखते हैं। ठीक है, एक साथ आइस के साथ रखते हैं, फिर उसको रखते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद में दोबारा से उसको आइस में रखते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस अलाइन डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जिसकी वजह से डीएनए होस्ट में जाए। इन ए मैथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, इसमें एक माइक्रो इंजेक्शन किसी के थ्रू भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर पहुंचा सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाला जाता है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाला जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। एक ये मैथड है, नेक्स्ट मैथड है, इन अनदर मैथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स आर बॉम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, प्लांट सेल में क्या करते हैं, बायोलिस्टिक और जो जीन गन होती है उसमें डीएनए को कोट कर लेते हैं गोल्ड और टंगस्टन के थ्रू। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन के से उसको कवर अप करके फिर जीन गन से डीएनए को बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। एंड द लास्ट मैथड यूज डिजार्म्ड पैथोजन फैक्टर्स। डिजार्म्ड पैथोजन फैक्टर्स आपने पढ़े थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस और रेट्रोवायरसेस में, विच वेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, जब उसको सेल के अंदर डाला जाता है, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन टू द होस्ट, जिसके थ्रू भी डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो हम ये नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे सीक्वेंस आते हैं। सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए को निकालो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए के फ्रेगमेंट्स करो, इसके थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के से, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, फिर हम अपना डिजायर डीएनए निकाल लेते हैं, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, फिर हम उसको बैक्टर में जोड़ देते हैं, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल देते हैं, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम, फिर वो होस्ट सेल को कल्चर किया जाता है, बढ़ाया जाता है एक मीडियम में, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, और जिससे हम अपना डिजायर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब इसको कैसे करना है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल को आइसोलेट करना है,
कैसे करेंगे? रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. न्यूक्लिक एसिड जो है जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है. और इसमें जो है बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए. इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए. ये क्या है? डीएनए. इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. डीएनए को काटते हैं किस चीज से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल से अलग होता है. सिंस दैट डीएनए इज एनक्लोज विद इन मेम्ब्रेन हु हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए प्रोटीन पॉलीसेक्राइड एंड ऑल्सो लिपिड्स. जो डीएनए होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर जाता है. इसके लिए हमें सेल को ब्रेक करना होता है ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद. जो डीएनए है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आरएनए प्रोटीन पॉलीसेक्राइड लिपिड इन सब के साथ जाता है. दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल. इसको किया जा सकता है जो हम बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल को कि डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स में जैसे लाइसोजाइम के थ्रू सेल्यूलेज के थ्रू काइटेनेज. लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया में होता है. सेल्यूलेज से प्लांट सेल में, काइटेनेज से फंगस से. यू नो दैट जीन आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. जीन जो होती है वो डीएनए में होती है इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन. और वो किससे जुड़ी हुई होती है? हिस्टोन से. The RNA can be removed by treatment with ribonucleus whereas protein can be removed by treatment with proteases. ठीक है. अब RNA को remove किया जा सकता है ribonucleases से. protein को remove किया जा सकता है proteases से. other molecule can be removed by appropriate treatment and purified DNA. दूसरे molecule को भी removed किया जा सकता है. प्यूरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेटेड आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल. फिर जो डीएनए है उसको बिल्कुल ठंडे इथेनॉल के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो इसमें क्या दिखाई देते हैं? कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन के ऊपर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ठीक है, ये डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें.